मैग्नेटिक फ्लक्स होने के बाद अब हम चल रहे हैं फैराडेज फ्लक्स रूल की तरफ। फैराडेज फ्लक्स रूल क्या कहता है? फैराडेज फ्लक्स रूल क्या बताता है सुनिए। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा बी डॉट ए कुछ इस तरह का था। कलम एरिया ए से लिख रहे थे कि एस से लिख रहे थे? किससे लिखा था? एरिया को सिंबल एस दिया था, ए दिया था एस। तो बी डॉट एस मतलब फ्लक्स का कुछ इस तरह की फॉर्मेट लिखी थी हमने, बी इंटू एस इंटू कोस ऑफ थीटा। अब अगर आप फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करता हुआ बनाना चाहते हैं, वेरिंग विद टाइम, तो इसके तीन तरीके हैं। वेरिंग विद टाइम इसके तीन तरीके हैं। क्या हुआ, क्लियर नहीं नजर आ रहे क्या? तो बाकियों को आ रहा है इसका मतलब वो एक बच्चे के नेटवर्क में ही उधर कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए इधर, या तो आप b को टाइम के साथ चेंज कीजिए, b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो। b टाइम के साथ चेंज कैसे हो सकता है? अगर आपने मैग्नेट ले रखा है, अगर आपने मैग्नेट ले रखा है तो मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ, दूर ले जाओ, ये तरीका है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रखा है तो उसमें करंट बढ़ा दो कम कर दो, उससे b चेंज होता है, तो b टाइम के साथ चेंज कर दो। या फिर आप एरिया ऑफ द लूप टाइम के साथ चेंज कर दो। कैसे? लूप की शेप चेंज करके, लूप की शेप चेंज करके एरिया चेंज होगा। या फिर आप थीटा को टाइम के साथ चेंज कर दो। कैसे? लूप को घुमा के। अगर आप लूप को घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर घूमता चलेगा, बी किसी डायरेक्शन में होगा, तो इस हिसाब से थीटा भी चेंज होता चलेगा। मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये। कल हमने क्या सीखा कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, आज उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्लक्स निकालना हमने कल सीख लिया था, अब उसको कंटिन्यू आगे इस तरह से कर रहे कि उस फ्लक्स को टाइम के साथ वेरी कैसे करवाए। तो उसके तीन तरीके मैंने आपको बताए। या तो जिस लूप में से फ्लक्स निकाल रहे हो उसके पास बी को चेंज कीजिए। बी चेंज करने का तरीका है कि अगर आपने बी मैग्नेट के पोल से बना रखे हैं, बार मैग्नेट से, तो पोल को पास ले जाओ, दूर ले जाओ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट से बी बना रखा है सोलेनोइड से करंट फ्लो करवा के, तो कभी करंट कम कर दो कभी ज्यादा कर दो। या फिर आप एस को चेंज करो एरिया का मैग्नीट्यूड, उसका तरीका क्या होता है कि लूप की शेप चेंज कर दो, लूप की शेप चेंज कर दो तो उससे एरिया चेंज होगा। या फिर आप थीटा को चेंज कर दो, उसका तरीका लूप को घुमा दो, लूप को घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर घूमता चलेगा और बी किसी डायरेक्शन में होगा तो एंगल चेंज होगा। इन तीनों केसेस में जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो टाइम के साथ चेंज होगा। अब फैराडे ने एक फ्लक्स रूल दिया क्या कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेरीज विद टाइम, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट लूप, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट लूप। देखो कल वाली स्टेटमेंट को रूल बना के फैराडे ने थोड़ा अलग तरीके से दे दिया। कल हमने ये पढ़ा था कि बी अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कल नहीं मतलब फ्लक्स से पिछली क्लास में, परसों हमने ये पढ़ा था कि अगर बी टाइम के साथ चेंज होता है तो इट विल प्रोड्यूस ई। वो एक दिन चार बातें बताई थी आपको, ई के प्रोडक्शन की दो बात, बी के प्रोडक्शन की दो बात, ध्यान है ना वो चीजें, ठीक है? तो अगर बी टाइम के साथ चेंज होता है तो वो ई प्रोड्यूस कर देगा। इसको थोड़ा और जनरल वे में फैराडे ने रूल बना के दिया, फ्लक्स रूल, या फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई भी बोल देते हैं इसे, कि बी छोड़ो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को देखो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, चाहे बी चेंज करो चाहे एस चेंज करो चाहे थीटा चेंज करो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो तो अपने आप वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा रहने दो। आप ईएमएफ बोलो कि इस लूप में एक ईएमएफ आ जाएगा, जैसे कि कोई बैटरी लगी हो। असल में तो बैटरी नहीं लगी होती वहां, लेकिन ये इस तरह बिहेव करने लगेगा जैसे कि वहां पे कोई ना कोई बैटरी लगी हो। ये रूल है फ्लक्स रूल। अब ये तो केवल ये बता रहा है कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं आएगा। बट कितना आएगा उसके बारे में भी फैराडे ने बताया आगे, कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ई से मैं ईएमएफ दिखा रहा हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी।
डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या यूं कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड है कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा एंड कुछ उसकी पोलैरिटी होगी कि भाई किस साइड प्लस किस साइड माइनस। तो अब हम उन दोनों चीजों को समझ रहे होंगे। तो आज की क्लास पूरे तरीके से फैराडे फ्लक्स रूल पे चलनी है। आप ये बताओ कि यहां तक समझ में आ गया है कि नहीं, क्या मैंने बताया यहां तक? ठीक है, अब देखो ये तीनों तरीके एक एक करके, तीनों तरीके एक एक करके लेंगे और ईएमएफ भी निकालेंगे और इसकी पोलैरिटी भी। पोलैरिटी के बारे में एक और बात बता देता हूं, यहां पे रूल को ज्यादा एग्जैक्टली करेक्ट यूं बोला गया, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस साइन मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है, माइनस साइन पोलैरिटी के लिए है। क्या मतलब? माइनस साइन ये कहता है कि ईएमएफ इस तरह आएगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो इस तरह से करंट इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। देखो फिर दोबारा सुनो, फिर हम ये तीनों पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला ये था, चाहे वो इंटीग्रल वाला बात करो चीज में, उसमें भी एरिया आता है, बी आता है और एंगल आता है। अब फ्लक्स को टाइम के साथ कैसे चेंज किया जा सकता है? या तो बी को चेंज करो, या एरिया को चेंज करो, या एंगल को चेंज करो। किसी भी तरीके से अगर आप फ्लक्स को टाइम के साथ वेरी करवा देते हैं तो फैराडे ने पता लगाया कि खाली बी वेरी नहीं, फ्लक्स वेरी कर जाए बस कैसे भी करके, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और उसे उसने ईएमएफ के रूप में देखा कि बैटरी की बजाय लूप में कोई ईएमएफ आ गया, बैटरी का काम कर रहा है। अब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ईएमएफ की पोलैरिटी क्या होगी, तो इसके बारे में दो बातें बताई। मैग्नीट्यूड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है डी फाइव बाई डी टी। और ईएमएफ की डायरेक्शन ही माइनस साइन बताता है। माइनस साइन क्या बताता है? कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करवाने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखते हैं इन चीजों को एग्जांपल्स की तरह देखते हैं। पहला तरीका, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसमें लूप को मूव नहीं कराते, ना तो लूप की शेप चेंज कराते हैं, ना लूप को घुमाते। देखो एस चेंज करने का तरीका क्या है, आप लूप को दबा दो या लूप को फैला दो तो उसकी शेप चेंज कर दो, एस चेंज हो जाएगा। और थीटा चेंज करने का तरीका है लूप को घुमा दो। तो इन दोनों को आपने फिक्स रखा, केवल बी चेंज किया, तो बताइए क्या लूप में कोई बदलाव किया है? क्या हमने लूप में कोई बदलाव किया? अगर मैंने एस और थीटा फिक्स किया तो नहीं, केवल जो पोल्स हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो बी फैला रहा है उसी में कुछ चेंज किया। तो हम पहला तरीका सीखते हैं, सबसे पहला तरीका, और इसे बोल देते हैं स्टेटिक ईएमआई। स्टेटिक का मतलब है कि लूप रेस्ट पे है। तो सबसे पहला तरीका हम सीख रहे होंगे यहां से, दिस इज स्टेटिक ईएमआई। स्टेटिक ईएमआई का मतलब है लूप इज एट रेस्ट। ये आपका होता है स्टेटिक ईएमआई कि भाई लूप इज एट रेस्ट, लूप जो है वो रेस्ट पे है और आप किसी तरह बस मैग्नेट को चेंज करा रहे हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हो। सपोज ये कोई लूप है और ये पार्ट इसका पीछे की तरफ है, ये एक्सिस ऑफ द लूप है, ये पार्ट आगे निकला हुआ है बीच में से और वो पीछे गया हुआ है, ये है। अभी इसमें लूप में कोई बैटरी नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा, लूप में कोई बैटरी नहीं है तो कोई करंट नहीं होगा। सपोज मैंने एक मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ये रखा है, ये भी रेस्ट पे है, बताइए मैग्नेट पास रखा हुआ है, क्या बैटरी मतलब क्या लूप में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? क्या लूप में करंट इंड्यूस होगा बताओ यहां पे? नहीं होगा। अगर मैं इसकी बजाय मान लो बहुत पावरफुल मैग्नेट रख दूं, बहुत पावरफुल मैग्नेट, अब बताएं क्या करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा। अगर ये रेस्ट पे है तो फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा। देखो लूप तो रेस्ट पे है ही, लूप रेस्ट पे है तो एस और थीटा तो फिक्स हो गए, लूप इज एट रेस्ट तो एस और थीटा तो फिक्स हो गए, ना तो एस चेंज हो रहा है ना थीटा आप घुमा रहे हो उसे।
और ये भी रेस्ट पे हो गया, तो यहां बी भी फिक्स हो गया, तो फ्लक्स होगा लेकिन फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब देखिए आगे, मैं इस लूप को आगे की तरफ चलाने लगा विथ सम स्पीड वी, मैं इस लूप को आगे की तरफ चलाने लगा विथ सम स्पीड वी, अब बताओ क्या बी चेंज होगा या नहीं होगा, बी बढ़ेगा या कम होगा, बताओ लूप के पास बी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, क्लियर। अब जैसे ही आप यहां देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो अकॉर्डिंग टू फैराडे, फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप। अभी जो डायरेक्शन वाली बात है लेंज ने दी थी, एक साइंटिस्ट है लेंज, जिन्होंने डायरेक्शन वाली बात बताई थी कि भाई इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा कि जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना, अकॉर्डिंग टू लेंज, लेंज के अकॉर्डिंग। यहां देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड टू अपोज द चेंज, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड टू अपोज द चेंज, अपोज करना है मतलब वो कम हो रहा होता तो उसे बढ़ाता, बढ़ रहा है तो उसे कम करेगा, दैट इज टू डिक्रीज फ्लक्स, दैट इज टू डिक्रीज फ्लक्स। पहले आप पोलैरिटी समझो ढंग से किस तरह से क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं ये टाइम लिमिट का मैसेज फिर दोबारा आ गया, क्या आप लोग पहले ज्वाइन कर लेते हो क्या, या तो फिर मैं कल से मैं लिंक नहीं भेजा करूंगा भाई, पहले मैं नहीं नहीं फिर मैं कल से काम किया करूंगा, मैंने कल भी बोला था शायद ये, अब ये आप में से कोई बच्चे पहले पहले ज्वाइन कर लेते होंगे शायद मीटिंग टाइम पहले स्टार्ट हो जाता है, कल से मैं केवल मैसेज भेजा करूंगा और जो लिंक है वो बस 7 बजे के आसपास ही, 1-2 मिनट पहले ही मैं आपको लिंक दूंगा ताकि आप वो ग्रुप ये मीटिंग स्टार्ट क्या, हाँ अरे उसमें तो लिमिट लिखी आती कि 20-40 मिनट का ही चलेगा, नहीं कोई बात नहीं, अरे आके सुनो 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 बात सुनो बात सुनो, आगे किस पे, गूगल मीट पे, किस पे वीडियो क्लियर नहीं आती, अरे मुझे बताओ जूम पे ठीक है कि गूगल मीट पे ठीक है, जूम पे ठीक है तो अब सुनो, जूम पे एक बात सुनिए, ये जो टाइम लिमिट है ये रोज है 40 मिनट्स, कभी कभार ऐसा होता है 20 दिन में एक बार ये लिमिट का आपके लिए किसी जैसे मेरे लिए फ्री कर दिया, कभी कभार होता है 1 घंटे, नहीं तो 40 मिनट की लिमिट में सारी क्लास और भी ले रहा हूं, 40 मिनट पे अपने आप बंद हो जाता है। चलिए कोई नहीं, अभी पहले इसको समझिए यार कुछ थोड़ा बहुत, कल से मैं कह रहा कि मैं आपको केवल टाइम पे ही ये मैसेज दिया करूं। अच्छा एक और बात, आज आपका टेस्ट का दिन है, हाँ जी बोलिए, चुप्पी हो गई ये बात सुन के तो सारे, अरे आज आपका टेस्ट है कि आज प्लस वन का है, किसका है आज, ठीक है ठीक है, तो आपका कल हो जाएगा, आज मैं प्लस वन का ले लूंगा टेस्ट, ठीक है। देखिए अभी इसको कंटिन्यू करने दीजिए और जरूरत पड़ी तो आपकी दोबारा क्लास लगाएंगे आज, क्योंकि इसमें टाइम कम ही मिला है। इधर देखिए इसको चलिए आगे ताकि एक पार्ट तो पूरा हो, ये नॉर्थ पोल आप पास लेके आ रहे हो, इससे फील्ड बढ़ रहा है, लेंज ने बताया कि ईएमएफ इस तरह इंड्यूस होगा कि उसको कम करवाए, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करवाने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहली बात मैं पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बता देता हूं, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, एक कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इस साइड खड़ा है लूप के इस साइड, तो ये देख के बताएगा कि करंट क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऑब्जर्वर दिखाना पड़ेगा,
अगर लूप बोर्ड के प्लेन पे रखा होता तो आप सीधा बोल सकते थे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब ऐसे रखा होता है लूप, एक को क्लॉकवाइज लगेगा तो एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने माना कि ये ऑब्जर्वर है और इसको देखना है, ये ऑब्जर्वर है और इसको देखना है कि भाई किस तरह से करंट आया होगा। तो तरीका सुनो, इसकी फील्ड लाइन बनाओ, नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकलती है और घूम के फिर साउथ से आएंगे, ये बनी इसकी फील्ड लाइन। अब देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आपको डिक्रीज करवाना है, तो आपको ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करना होगा, ऐसा करंट फ्लो करना होगा जो इस बी को कम करे। बी को कम करने का मतलब है कि उसका फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप बी को कम करना चाहते हैं तो जो उसका बी इंड्यूस्ड, बी आई एन डी लिखा है मैंने, ये दिख नहीं रहा, बी के नीचे आई एन डी इंड्यूस्ड, कि जो करंट है उसका बी इधर आना चाहिए। अब ये बताओ इसमें राइट हैंड को घुमा के देखो कि बी इधर कब बनेगा। अगर करंट यू आता पीछे से आगे तो बी किधर बनता, बी किधर बनता, आगे की तरफ। लेकिन करंट यू फ्लो करेगा तब ये बी ऐसे आएगा। इसका मतलब आपको ये पता लग गया कि इसमें ईएमएफ करंट इंड्यूस ऐसे होगा। अब ये ऑब्जर्वर बताए मुझे, अब ये ऑब्जर्वर देखे तो इसको क्या लगेगा, यू ये क्लॉकवाइज है इसके लिए कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो ये कहेगा कि जो करंट आया दैट इज क्लॉकवाइज, ये कहेगा कि जो करंट आया दैट इज क्लॉकवाइज। अभी बताओ क्या ये तरीका क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने का, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आप सुनिए, इसके बाद सुने आगे। दूसरी बात, इसी चीज को लेंज ने थोड़ा और आसान तरीके से भी देखना सिखाया। कैसे? बोले भाई अपोज करना है, अपोज करना है तो जो कारण है, जो रीजन है करंट आने का, जो रीजन है उसको अपोज कीजिए। करंट इसमें क्यों आया, कौन सा पोल पास आ रहा है, तो नॉर्थ को रोको, मत आने दो पास। नॉर्थ को रोकने के लिए इधर साउथ बनेगा कि नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ को रोकने के लिए इधर कौन बनना चाहिए, नॉर्थ, और इधर कौन बनना चाहिए, साउथ। अब आपको लूप में तो सिखा रखे हमने कि नॉर्थ साउथ कैसे बनते हैं इक्विवेलेंट। अगर यू करंट फ्लो कर गया तो मैग्नेटिक मोमेंट उधर होगा, मतलब उधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ, हमें इधर बनाना है तो करंट यू फ्लो कर दो ताकि अंगूठा नॉर्थ की तरफ हो। तो इस तरीके से भी आई इंड्यूस की डायरेक्शन आ जाएगी। बताओ क्या आई इंड्यूस देखना आ गया, कैसे देखना है? अब दूसरी बात, सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल, मतलब ये यू है इधर की तरफ भी। अब पोल जो इसके पास पोल है, लूप के पास पोल है, वो देखो लूप के पास कौन सा पोल है, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ। लूप के पास नॉर्थ और नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो कोई उसे रोकना चाहेगी, नॉर्थ को रोको, नॉर्थ को रोको, मत जाने दो। तो यहां कौन सा बनेगा, साउथ, और इधर नॉर्थ, और उधर नॉर्थ बनाने के लिए आपको करंट ऐसे फ्लो करवाना पड़ेगा और ये इस तरह से हो जाएगा, ये सारा चेंज हो जाएगा। अभी बताओ क्या डायरेक्शन निकालनी आ गई है कि नहीं स्टैटिक ईएमआई में? लास्ट वाली बात, अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो कोइल जो भी चेंज हो रहा है उसे मत होने दो, नॉर्थ दूर जा रहा है तो रोको भाई, मत जाने दो। रोकने के लिए यहां क्या बनाना पड़ेगा, इधर अट्रैक्ट करने के लिए साउथ, उधर नॉर्थ। अब उधर नॉर्थ चाहिए तो करंट ऐसे फ्लो करवा दो, अपने आप नॉर्थ बन गया उधर। आया समझ में? अब एक बार मैं मैग्नीट्यूड और बता देता हूं। आज शाम को फ्लोटेशन पे नहीं, इसी पे ईएमआई पे दोबारा क्लास में लगाऊंगा, आपका मैसेज आ जाएगा जो भी होगा, और उसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे। इस क्लास में थोड़ा कम हो पाया काम, डायरेक्शन हो गई। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सपोज ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पास आ रहा है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है, और इस वजह से यहां पे जो B है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। सपोज कीजिए आपको दे दिया B इज इक्वल टू 5T² टेस्ला, B इज इक्वल टू 5T² टेस्ला, इस लूप का एरिया दे दिया 10 मीटर स्क्वायर। अब पूछा है कि भाई बताओ इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कैसे होगा वो तो हमने देख लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब, अब कितना इंड्यूस होगा वो देखना है।
तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है डी फाई बाई डी टी, पढ़ा ना अभी हमने डी फाई बाई डी टी। पहले तो फ्लक्स लिखो भाई, बी इतना है, ये बी इधर की तरफ मान लो, बी इतना है, एरिया 10 मीटर स्क्वायर आगे की तरफ, देखो लूप छोटा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो फील्ड लाइन है वो बी बस आगे की तरफ है, कोई इधर उधर नहीं उड़ रहा है, बी आगे है। तो जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा हाँ बी इंटू एस इंटू कोस जीरो, बी कितना है 5t स्क्वायर, एस कितना है 10 और कोस जीरो 1, तो आपका जो फ्लक्स आया वो आ गया 50t स्क्वायर। यूनिट बोलो यूनिट, यार कल ही तो पढ़ाया कई देर, टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गई तो कई थी, उसको हम क्या बोल सकते हैं वेबर, 50t स्क्वायर फ्लक्स आ गया। क्या ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं? तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो बैटरी बनेगी, इक्विवेलेंट बैटरी जो बनेगी, उसकी वोल्टेज कितनी होगी, डी बाई डी टी ऑफ 50t स्क्वायर। 50 तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है, आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है करना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो ये आपका हो गया 100t वोल्ट। तो जो इसमें बैटरी बनेगी उसका ईएमएफ आ गया 100t वोल्ट। आपकी ये जूम मीटिंग खत्म हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद आपको बताएंगे मैसेज। 100t वोल्ट, इसका मतलब ये है कि कोई कहे कि एक सेकंड पे कितनी वोल्ट बैटरी की तरह काम कर रहा था, तो एक सेकंड पे टी की जगह वन रख दो 100 वोल्ट। अगर कोई कहे दो सेकंड पे किस तरह काम कर रहा था, तो दो सेकंड पे 100 × 2 = 200 वोल्ट। तो ये तरीका होता है स्टेटिक ईएमआई, जो पहला हमने इस क्लास में कवर किया, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन कि भाई किस तरह से निकाली जाती है। अभी शाम को एक और क्लास आपकी होगी, आपको मैसेज दे दिया जाएगा, और तब हम ये ईएमआई वाला काम ही कंटिन्यू कर रहे हैं।